वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो एक ट्रिकी सॉल्यूशन है, जैसे मैं पहले भी सम टाइम ट्रिकी सॉल्यूशन देता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको आईफोन 11 का टेम्परेचर एरर फिक्स करके दिखाऊंगा, वो भी ट्रिकी सॉल्यूशन है। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको पावर केबल लगाई है, एक सेकेंड, इस पर बैटरी नहीं लगी हुई। ये देखें, जैसे ही मैं इसको पावर ऑन करूंगा, पावर केबल लगाऊंगा, ये देखिए, इस पर फौरन टेम्परेचर का एरर आ जाएगा। देखिए, ये फौरन इंस्टेंट टेम्परेचर एरर आ गया। इसमें दो ऑप्शन है, समटाइम चार्जिंग स्ट्रिप शॉर्ट हो तो फिर भी टेम्परेचर का एरर आएगा। इसका जो मैंने निकाला है, चार्जिंग स्ट्रिप से नहीं निकाला, मोस्टली लोग चार्जिंग स्ट्रिप से निकालते हैं, जो मैंने भी निकाला है इसमें। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जूम कर लेना, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या करूँगा। सिंपली इसकी मैं ये पावर बटन जो है, इसकी स्ट्रिप रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दी। अभी देखिए आप, मैं इसको दोबारा लगाऊंगा, चले, थोड़ा बैक हो, बस थोड़ा सा, हाँ बस, बैटरी लगता है सही कनेक्ट नहीं है। एक मिनट, बैटरी को मैं दोबारा सही कर कनेक्ट कर लूँ। परफेक्ट, बिल्कुल वर्किंग, एरर खत्म। तो ये ट्रिकी सॉल्यूशन था। फर्स्ट आप चार्जिंग स्ट्रिप रिमूव करके चेक कर लें, अगर उससे एरर खत्म हो जाता तो ठीक है, नहीं तो आप पावर बटन से आप इसको चेक कर लेंगे। मेरा प्रॉब्लम जो है पावर बटन से सॉल्व हुआ है। थैंक यू।